विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। इसमें आपको चार नंबर दिए गए हैं और आपने बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। हम वन बाय वन चेक करते हैं। 97। अब हमने इसके कोई फैक्टर तलाश करना है जो इसको डिवाइड कर सके। उससे पहले हम बी ऑप्शन को देखते हैं। इसमें 33 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 33 बनता है। इसका मतलब है 33 के फैक्टर हैं 11 और 3, इसलिए 33 कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना होते हों। मतलब 7 सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा, 1 से और 7 से, इसलिए 7 प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 13 ये भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 1 और 13 के, इसलिए 13 भी प्राइम नंबर है। जबकि 33 11 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से 45 को अगर हम देखें तो ये 5 से डिविजिबल है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 45, इसलिए 45 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 72 इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है। जिस नंबर के का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इवन नंबर हो वो टोटल इवन नंबर होता है। अब 2 इवन नंबर है इसलिए 72 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर एक्सेप्ट 2 कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। यानी कि इवन नंबर में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए जब वो 2 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम इसके फैक्टर देखें तो 36 इंटू 2, 8 इंटू 9, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए 72 प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 97 बचता है और यही प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन।